हेलो एवरीवन, कुक विद रूबी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पनीर दो प्याजा की रेसिपी लेकर के आए हैं। वैसे तो आपने पनीर की बहुत सी वैरायटी खाई होगी, शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर भुर्जी, बहुत सी वैरायटी हैं। लेकिन आज हम आपको इस पनीर दो प्याजा की जो रेसिपी दे रहे हैं, इसको कभी ख़ास मौके पर बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इसको बनाने और खिलाने के बाद आप ज़रूर बहुत ज़्यादा तारीफ पाने वाले हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 500 ग्राम पनीर हमने लिया हुआ है, ये हमारे घर का पनीर है, इसको हमने क्यूब में काट लिया हुआ है। आप इसको जैसे भी मन शेप में आप काट सकते हैं। हमने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 6-7 प्याज लिया है मीडियम। प्याज को हम 2 स्क्वायर में काट लेंगे, बाकी हम लंबे में काट लेंगे तड़के के लिए। तेज पत्ता है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, थोड़े खड़े मसाले हैं जिसमें आप डेली जो मसाले यूज़ करते हैं, जावित्री, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जो आप डेली यूज़ करते हैं तड़के में डालते हैं, वही है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो डेली का है वही है। और हमने धनिया पाउडर ले रखा है, 2 टीस्पून है, 2 टीस्पून सौंफ पाउडर, लाल मिर्ची है, कसूरी मेथी, थोड़ा सा हमने खड़ा धनिया ले रखा है तड़के के लिए, 1/2 कप। ये मेरा हंकर्ड है, आप नॉर्मल कर्ड भी ले सकते हैं। लहसुन और अदरक है जिसको हमने पील कर लिया है, इसको अच्छे से हमको पेस्ट बनाना है। एक पैन लेंगे, इसमें हम तेल डालेंगे। अब ये पनीर दो प्याजा है तो थोड़ा तेल तो रिच होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा तेल हमने ज़्यादा लिया है। फिलहाल तो इसको हम फ्राई करेंगे, पनीर को फ्राई मीन्स स्लो फ्राई करना है, आपको फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। इसको अच्छे से गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर दिख रहा है, ये घर का पनीर है तो थोड़ा डिज़ाइन इसकी गड़बड़ है। अच्छे से इसको हम फ्राई कर रहे हैं, मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, हाई नहीं करेंगे, जलना नहीं चाहिए पनीर। एक पैन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, गरम करेंगे। ये पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो हमारा पनीर है उसको हम हल्दी के पानी में डालेंगे। हल्दी के पानी में हम क्यों डालते हैं, क्योंकि पनीर हमारा बहुत सॉफ्ट रहेगा। जब आप पकाने के बाद भी हमारा पनीर जब तक आप रखेंगे तब तक बहुत सॉफ्ट रहेगा। ये टिप है आपके लिए। पनीर को नमक के पानी में पहले डाला जाता था, हमने भी कई बार डाला है, लेकिन अब इस बार आप हल्दी के पानी में डाल के देखिएगा, ये उससे ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। अब सारे पनीर को फ्राई हो चुका है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट है पनीर हमारा, इसमें जाके और अच्छा हो जाएगा। इसको हम सारा हल्दी के पानी में डाल देते हैं। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है और हम सारा हल्दी के पानी में सारे पनीर को हमने डिप कर दिया है। इसको ऐसे ही छोड़ देना है। एक बड़ा बोल लेंगे और जो हमने दही लिया था 1/2 कप उसको डालेंगे, उसको बीट करेंगे। और जितने भी हमारे पिसे मसाले हैं, लाल मिर्ची और थोड़ा गरम मसाला, 1/2-1/2 कर देंगे। बाकी सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे, जितने पीसे हुए मसाले हैं। इसको हम सारे मसालों को डाल दिया, देखिए गरम मसाला, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च को और गरम मसालों को हमने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ है, लास्ट में हम डालेंगे जब इसको पकने के बाद। इसके बाद देखिए इसको हमने खूब अच्छे से फेंट लिया है। आपका अगर नॉर्मल दही है तो कोई बात नहीं, आप इससे विस्कर से आप फेंटेंगे तो उसमें लम्स नहीं रह जाएंगे। मैंने हंकर्ड इसीलिए लिया था कि इसमें लम्स ना रहे। और रनी बनाना है, कोई गाढ़ा वो नहीं करना है, ये रनी बनाना है आप आराम से कर सकते हो, बस या तो मिक्सी में भी आप चला सकते हो इसको। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब एक बड़ा पैन लेंगे जिसमें आपको बनाना है, थोड़ा सा ब्रॉड लेंगे क्योंकि उसमें प्याज, अब पनीर दो प्याजा है तो प्याज तो अच्छे से भूनना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा ब्रॉड लेंगे। अभी इसमें हमने देसी घी डाल दिया है, वैसे आप देसी घी में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी होगा, पर आप सिंपल तेल में जो रोज़ यूज़ करते हैं उसमें भी बना सकते हैं, उसमें डाल दीजिए। मैंने देखिए थोड़ा सा तेल डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा तेल और घी का कॉम्बिनेशन किया है मैंने। और मैंने अब खड़े मसाले की बारी है, सारे खड़े मसाले हम यहाँ डाल देंगे, थोड़ा सा बस जीरा बचा के रखेंगे क्योंकि हमको लास्ट में तड़का लगाना है।
तो सारे खड़े मसाले हम उसको डाल रहे हैं। फ्लेम यहाँ पे हम एकदम लो रखेंगे क्योंकि हमारे मसाले बर्न नहीं होने चाहिए, और लॉन्ग तेल में जाने के बाद फूटता बहुत तेज़ है, तो प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसलिए फ्लेम को लो रखिएगा। जो हमने हरी मिर्चें ली थी उसको भी काट लिया, तड़के में डाल दिया, और चार प्याज को हमने ऐसे काट लिया था जिसको हमने तड़के में डाला। अब पनीर दो प्याज है तो प्याज तो ज़्यादा चाहिए ही। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, इसको हम ब्राउन भूनेंगे, खूब अच्छे से भूनेंगे। अब यहाँ पे आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं और इसको अच्छे से भूनिए, ब्राउन होने तक भूनिए। देखिए लगातार हम भून रहे हैं, ये खूब अच्छे से भून रहा है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, इसको जरूर ट्राई करिएगा आप। ये देखिए हमारा ब्राउन हो चुका है बिल्कुल। देखिए प्याज बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब अदरक लहसुन जो हमने पेस्ट बनाया था अब हम उसको डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भुनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दिया उसको। इसका जो अरोमा है दोस्तों वो पूरे घर में इतना अच्छा टेस्टी कि मतलब आपको भूख भी ना लगी हो तो लग जाएगी। इसका जो खुशबू चल रहा है इस समय। तो हमने प्याज सॉरी टमाटर जो काटा था उसको, काटा नहीं था उस समय लेकिन ऐसे ही काटना है, उसको डाल दिया। और जैसा हम हमेशा बताते हैं कि जब भी टमाटर डालिए तो उसमें सॉल्ट ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि सॉल्ट डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। और यहाँ हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने हल्दी के पानी में अपने पनीर को उसको डुबकी लगवाया है हमने। अभी इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी इसको लेट लगाएंगे। अब देखिए 2-3 मिनट बाद ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसका खुशबू बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए अदरक लहसुन पेस्ट, और अब हमने इसमें दही का जो सारे हमारे पिसे हुए मसाले थे जिसको हमने मिक्स किया था दही में, वो हमने डाल दिया इसमें। अब इसको खूब अच्छे से भूनेंगे हम, इसके साथ खूब अच्छे से भून लेंगे, खूब अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हम भून रहे हैं, ये बहुत ही यम्मी लग रहा है, अभी भूख बढ़ गई है हमारी। उसी बोल को हमने हल्का सा धुल करके पानी डाला है, यहाँ पे कोई भी हमने दूध नहीं डाला, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है। उसके बाद हम पानी डाल दिए हैं। आप थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ा या थोड़ा सा पतला आप रख सकते हो, ज़्यादा चाहते हो तो। अब इसको हमने ढक दिया था पकने के लिए, 3 से 4 मिनट पकाया हमने। अब देखिए बिल्कुल पक चुका है, अब इसमें सारे पनीर हम डाल देंगे। देखिए सारे पनीर हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको 2 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें जो रेड चिली पाउडर हमने थोड़ा सा बचा के रखा था वो हमने डाल दिया, और थोड़ा सा हमने गरम मसाले भी बचा के रखे थे वो हम डाल देंगे इसमें लास्ट में। गरम मसाला थोड़ा सा डालिए, 1.5 टीस्पून लिया है तो थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा सा एकदम लास्ट के लिए रखिए। ये अभी डाल दीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको ढक देंगे हम, ओनली 1 मिनट। देखिए एकदम कंप्लीट हमारा दो प्याजा एकदम रेडी हो गया है, बहुत ही यमी लग रहा है, सच में बहुत टेस्टी है। अब इसमें हम लास्ट में कसूरी मेथी डालेंगे जिसको हम आप हल्का सा भून सकते हैं और फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। अब एक अलग पैन लेंगे, अब हमारा पनीर एकदम रेडी हो गया, बट बिना तड़के का तो फिर मज़ा नहीं आएगा दो प्याजा में। तो अभी हमको मेन काम तड़के का लगाना है। जीरा डाला, सूखी लाल मिर्च, जो हमने धनिया रखा था खड़ा वो डाल दिया। अभी हमने दो प्याज को बोला था आपको कि उसको स्क्वायर में काटना है, जैसे हम लोग चिली पनीर में डालते हैं ना वैसे। ये देखिए बस दो प्याज को, उसके सारे पेटल्स अलग कर लेने हैं, और अब इसको हमने इसमें डाल, अब इसको एक दूसरे से मिक्स हो जाने दीजिए। बट इसको कोई कलर नहीं देना हमें,
केवल आपका प्याज बिल्कुल शाइनी सा हो जाए, लाइक आपको समझ में आने लगे कि ये पूरा तेल में नहा चुका है मेरा प्याज। बस अब लिड हटाइए और तड़के को इसमें डाल दीजिए। ये देखिए ये गया तड़का, एकदम रेडी है आपका दो प्याज। आप इसको नान के साथ, पराठों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी है। जब कभी ख़ास मौक़ों पे इसको बनाइए और खिलाइए, पनीर दो प्याजा। थोड़ी सी अलग रेसिपी बट बहुत ही टेस्टी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।